अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो में आपको कि कैसे हमारा वाईफाई का कनेक्शन जो है वो नॉट अवेलेबल होता है, यानी कि कनेक्शंस जो है ना उसके सिग्नल्स हमारे लैपटॉप पर नहीं पहुंचते। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, ये देख सकते हैं कि आप कनेक्शन नहीं आ रहा। हम जाते हैं गूगल क्रोम पर, यूट्यूब ओपन किया हमने, ये शो कर रहा है नो इंटरनेट, यानी कि हमारा कनेक्शन नहीं आ रहा। इसको दुरुस्त करते हैं। वाईफाई के सिग्नल्स हमारे लैपटॉप पर नहीं पहुंच रहे। माई कंप्यूटर पर जाएंगे हम इधर से जाएंगे कंट्रोल पैनल पर, इसको क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, ये लिखा हुआ है चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पर जाएंगे, ये वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन इसको इनेबल कर देंगे। जैसे हमने इनेबल की, ये इनेबलिंग हो रही है, ये लें जी हमारा कनेक्शन जो है ना वो कनेक्टेड हो चुका है। वाईफाई के सिग्नल्स ये देखें कनेक्टेड हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस हो चुका है। चलें देखते हैं कि हमारा इंटरनेट आ चुका है कि नहीं। ये देखिए दोबारा से शुरू करते हैं, ये यूट्यूब में आप बना के दिखाता हूँ आपको। मेरी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी हल्की है, तो चलें खुल गया। ये लें जी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि अगर आपका ये सेटिंग आपसे अगर डिसेबल हो चुकी है तो इसको इनेबल कर लें, आपका वाईफाई खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।